कड़े मुकाबले के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जीते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लाहौर के 123 सीट से जीते हैं शहबाज शरीफ। पीएमएलएन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 63,000 वोटों से जीतते हुए दिख रहे हैं। जीते हैं 123 सीट से 63,000 वोट से जीते हैं शहबाज शरीफ, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, पीएमएलएन की उम्मीदवार और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी चुनाव जीत गई हैं। तो ये बड़ी खबरें खास करके पीएमएलएन के जो नेता हमारे साथ बैठे हुए इरशाद अहमद खान साहब, उनके लिए खुशखबरी के तौर पर मरियम लाहौर के पंजाब के पीपी 159 सीट से चुनाव जीत गई हैं। मरियम नवाज को 23,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए और वो भी चुनाव जीत गई हैं। लेकिन एक बड़ा उलट फिर यह है कि इमरान खान के जो समर्थक हैं, निर्दलीय समर्थक, उन्हें बढ़त मिल रही है। इसे इमरान की जीत ही मानी जा रही है। इसकी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए, इमरान की जीत की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या है, क्या पैमाना, क्या स्टैंडर्ड रखा गया। इमरान खान शहबाज शरीफ सत्ता में 3.5 साल रहे और सत्ता में 16 महीने रहे। देखिए इमरान खान को और इसकी तुलना शहबाज शरीफ से, इमरान खान की जब हुकूमत थी तो गरीबी हटाओ मुहिम चलाई गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत रही तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, यानी महंगाई से त्राहिमाम होने लगा पाकिस्तान। फिर हेल्थ कार्ड भी इमरान खान की तरफ से चला गया जब उनकी सत्ता रही, शहबाज शरीफ की जब आटा पहुंच से बाहर हो गया, ये एक महंगाई का पैमाना शहबाज शरीफ सरकार में रहा। बिल्कुल, और इमरान खान की सरकार में हाउसिंग स्कीम चलाई गई और शहबाज शरीफ ने ट्रेडर्स पर टैक्स लगाया। तो कुल मिलाकर दोनों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रहीं या नाकामियां रहीं वो क्या रहीं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। विदेशों से ग्रांट मिले इमरान खान की हुकूमत में, शहबाज शरीफ के कार्यकाल में हमने देखा अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की पूरी तरह से चौपट होते हुए। और इमरान खान जीत अगर उनकी होती है तो जीत का बड़ा कारण ये कि जेल जाने से जनता में सहानुभूति होगी और जनता को लगा कि इमरान के साथ अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई। हार का बड़ा कारण अगर शहबाज शरीफ के देखें तो भरोसा दिलाने में वो नाकाम रहे, नवाज के वादों पर एतबार नहीं हुआ, इसके ये भी मायने निकाले जा सकते हैं। समीर हमारे साथ मेहमान तमाम बने हुए हैं, कमर आगा साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर कमर आगा साहब जुड़े हुए हैं, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। योगेश जी, अगर आप ये पूरा पॉलिटिक्स सिनेरियो देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान की इस वाया निर्दलीय समर्थकों के जरिए सत्ता में वापसी हो सकती है, और क्या ये गवारा होगा फिर वहां की फौज को, आप किस तरह से समीकरण देख रहे हैं? भाई देखिए, इमरान खान का सत्ता में वापिस आना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि फौज को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अभी तो देखिए रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी थोड़ा प्री मेच्योर है कहना कि इमरान खान जो है वो जीत गए हैं, थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पावर है वो, उस पर आर्मी का बहुत डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है, तो आर्मी के अगेंस्ट जाके जो है ना तो वहाँ सरकार बनाना आसान होगा, और अगर सरकार बन भी गई तो वो अनस्टेबल रहेगी, वो बहुत ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। इसलिए अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर है कहना कि इमरान खान पावर में आ जाए। ठीक है, ये प्रीमेच्योर लग रहा है आपको। गुलाम अब्बास, इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो से आप हमें क्या रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि पहले इस खबर का आना कि 154 सीटों पर इमरान खान के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, नतीजों में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कहाँ हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो फरार हो गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन तमाम खबरों की जरा पुष्टि कीजिए TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए, क्या हो रहा है? देखिए समीर, हमने कल पूरा दिन ग्राउंड से रिपोर्टिंग की और एक एक हलके को देखा। एक चीज तो ये समझ लीजिए कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, टर्नआउट बहुत ज्यादा था, और यही वजह है कि इमरान खान की जो बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो जीत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट पाकिस्तान में नॉर्मली रात को 1 बजे तक कंफर्म हो जाता है और ये पता चल जाता है कि कौन प्रधानमंत्री है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा था कि रिजल्ट 1 बजे तक कल रात जो गुजर चुकी है आ जाएगा, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही 9 बजे के बाद PTI बैक कैंडिडेट आगे जाना शुरू हुए और लगभग 124 से 125 सीटों पर PTI कैंडिडेट आगे थे, तो रिजल्ट रुक गया अचानक से और उसके बाद स्लो इतना हो गया कि हम सारी रात वेट करते रहे। हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया,
ठीक है ठीक है गुलाम अब्बास, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ये जो आगे बढ़ रहा है समीकरण, अब देखना होगा कि रुझानों में जो पार्टी आगे निकलती हुई दिख रही है क्या वो नतीजों में पूरी तरह से आ जाती है।